ईद की आमद आमद है, परदेसियों के अपने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी है। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी रश देखकर मनमानियां शुरू कर दी हैं। ईद उल फितर में परदेशियों को रिलीफ देने के जिले इंतजामिया के वादे वफा ना हो सके। लारी अड्डों पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी, इंतजार गाहों में पंखे, ओवर चार्जिंग, इजाफी बसें सिर्फ बातों तक ही महदूद, अमल दरामद ना हो सका। परदेशियों का कहना है कि इंतजामिया के वादे सिर्फ बातों तक ही महदूद हैं। आम दिनों में कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, तो कम से कम ईद के मौके पर तो आवाम को रिलीफ दें। ये देखें ना, आप हालत तो देखें ना, गाड़ी तो कम से कम टाइम पर आ जाए ना भाई। पता चला है कि इन्होंने जो रात को गाड़ियां थी ना अपनी केपीके की तरफ भेज दी हैं, अब गाड़ियां नहीं आ रही यहाँ पे, इस वजह से अब हम खवार हो रहे हैं। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि किराया अपने तौर पर नहीं बढ़ाते, हुकूमत भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना करे, हम भी किराए में इजाफा नहीं करेंगे। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ अदनान राजपूत, लाहौर रंग, बदामी बाग।